हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको लगाने के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में स्नेक प्लांट के बारे में। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, उतनी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको लगाना बहुत आसान है। इसको मैंने एक लीव से प्रोपोगेट किया था, जैसे ये यहाँ पर कटी हुई लीव्स है, ऐसे मैंने इसको प्रोपोगेट किया था। और ये देखो मेरे पास कितने सारे हो गए हैं। नासा के द्वारा यही एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए ये। आप चाहे तो इसे अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों है, तो आप चाहे तो आपको ज़रूर लगाना, और इसको लगाना बहुत आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने इसको प्रोपोगेट किया है तो कल इसमें मतलब कुछ हो जाएगा, कुछ डेवलप हो जाएगा कि सारा आज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2-3 महीने में आ जाएगा ये। ये देखो मैंने कितने सारे लगाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया से खिले हुए हैं ये सारे ये। और अगर आपको इसको लगाना है तो आपको मेनली लीव को देखना पड़ेगा। एक मैच्योर टाइप की लीफ होती है जो डार्क ग्रीन कलर की होती है, और जो लाइट ग्रीन कलर की है वो इमैच्योर है। तो अगर आपको लगाना है तो इसको डार्क ग्रीन कलर की लीफ की कटिंग से आपको ग्रो करना पड़ेगा। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे सैंड, सॉइल या वाटर किसी में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी रूट्स निकल कर आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपको कि वर्मी कंपोस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं पर भी इजीली ग्रो कर जाएगा। तो इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। ये लॉन्ग लीफ वाली वैरायटी है, इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, और येलो बॉर्डर वाली वैरायटी भी आती है। कोई सा भी प्लांट आप लगाएं सेम ही काम करता है। अगर बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की, अगर इसकी मिट्टी 1-2 इंच खोदने पे सूखी सूखी लगे आपको, तो आप इसमें वाटर डाल सकते हैं। ज़्यादा इसे वाटर सनलाइट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर इसका पॉप निकल रहा है, ये देखिए, ये इस साइड से ग्रीन ग्रीन बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे करके। इसका साइंटिफिक नेम सेंसिवेरिया है। तो स्नेक प्लांट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।